यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज क्रिएशन। तो आज है फ्राइडे और डेट है 21 जनवरी। सो अभी बज चुके हैं शाम के 6 बज चुके हैं और आज बहुत ही मस्त इवनिंग हो रही है। और आज थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है, मतलब कल की स्ट्रीम को मतलब मस्त सपोर्ट दिखा अपने पबजी के स्ट्रीम को। तो आज का प्लान मैं एक मिनट में बता देता हूँ। ओके जिन जिन लोगों ने लास्ट वाली ये व्लॉग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जल्दी जाकर देख लो। तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ रख दिया था, साफ कर दिया था एकदम, ये यह सब कुछ मैंने क्लास वगैरह ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पर निकाला था, ये बाद में डाल देंगे। तो आज का प्लान मैं दिखा देता हूँ क्या है, एक मिनट। यह आप मतलब पूर्व तैयारी कहते हैं इसे गाइस। सो ये लैडर्स आप देख पा रहे हो, ये वाली, उसके बाद ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये चार लैडर्स है। इसको मुझे पूरी तरह से इसका जो रस्ट है, एक मिनट, ये जो रस्ट है इसे निकालना है और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड लगाकर ब्लैक कलर देना है जिसका हम रीयूज़ कर पाए। सो अभी बेसिकली मैं सिर्फ इसे इसका जो रस्ट है निकाल दूंगा, आज का मतलब यही काम है। आई होप हो पाएगा 8 बजे तक रात के। तो ये जो चार लैडर्स हैं इनका फटाफट रस्ट निकाल देते हैं। रस्ट निकालने के लिए एक्चुअली हम यूजुअली यूज़ करते हैं पॉलिश पेपर, बट अभी मैंने एक अलग सेटअप किया है, एक मिनट दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कनेक्शन लिया है, इसको ऑन कर देते हैं एंड ये कनेक्शन जाता है यहाँ तक। ओके सो ये गया यहाँ तक और ये अपना इसमें आ गई पावर। तो ये ऊपर का बिलेट है जिससे कि, एक मिनट भाई आवाज़ नहीं आ रही है। सो ये जो ऊपर का बिलेट है जिससे रस्ट निकल जाएगी। सो मैं लगता हूँ काम पे गाइस। ओके लेट्स गो। गाइज यहाँ पर 7:30 बज चुके हैं और ये जो आप पीछे लैडर देख सकते हो ये वाली में छोड़ दो। तो ये जो लैडर फर्स्ट वाली लेनी थी वही 80% कम्प्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक ही साइड और उसका जो ये मुंह है, एक मिनट दिखा देता हूँ, ये जो मुंह है ये रह चुका है। सो ये भी हम फटाफट कल सुबह कर लेते हैं, मिलता हूँ कल सुबह। ओके मॉर्निंग गाइज, आज है सैटरडे और 22 जनवरी 2022 और एकदम मस्त धूप हो गई है और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर पानी जम गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख सकते फॉग आ चुका है, ये देख पा रहे हो। ओके तो अब हम फिर से काम पे लग जाते हैं, बट मुझे अब ये पानी पोंछना होगा, मैं एक मिनट में दिखा देता हूँ। आई होप आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पानी जम चुका है पूरी तरीके से और ये फॉग भी देख पा रहे हो सारा, ये देखो भाई फॉग एकदम खतरनाक लग रहा है। और अब मुझे पानी पोंछ कर फिर से अपना क्या बोलते हो ड्रिल मशीन देना है, एक मिनट। ये ले लिया है हमने अपना ड्रिल मशीन और पानी पोंछ कर लग जाते हैं फिर से काम पे। और इसके ऊपर मुझे रेड ऑक्साइड भी लगाना है, सो बहुत से काम है, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ट्रैक गाइस ब्लॉग अपडेट। तो अभी बच चुके हैं अराउंड 9:45 बज चुके हैं और मेरा ऑलमोस्ट बहुत सा काम हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लैडर को खड़ा कर दिया है, सो आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले से बहुत ही अच्छी हालत में लग रही है। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, बट मुझे तो अभी दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी हालत में है।
थोड़ा सा क्लोजअप पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा रस था और यहाँ पर नीचे से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो इसको भी मुझे फटाफट साफ़ कर लेते हैं। रेडॉक्साइड लाना है मुझे जाकर, तो यहाँ पर पास में ही दुकान है, जाते हैं रेडॉक्साइड लाते हैं, फटाफट इसको कलर करते हैं जिससे कि इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और मतलब ये अगर मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं हम, अभी तो इसका यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रस थी, बट ऐसे अगर हम इस पर कलर वगैरह कर दें, इसे अच्छी तरीके से रेडी कर दें, तो और ये 5 से 6 साल तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं आराम से। Eventually. तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ट्रैक गाइस ब्लॉग अपडेट, तो अभी बज चुके अराउंड 5:30 बज चुके हैं और मैं फिर से ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना कलरिंग करने का सेटअप भी रख दिया है, मतलब ये लैडर है इसको कलर करना है और यहाँ से मैं चढ़कर ऊपर से स्टार्ट करूँगा कलर करना। और यहाँ पर मैंने कलर भी बाय कर लिया है, सो ये है होगा अपना आज का हथियार, इससे हम कलर करेंगे। ओके सो लेट्स गेट टू वर्क। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉग अपडेट, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने कलर कर दिया है और मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इतना पोर्शन अभी हो चुका है और बाकी का भी अभी ही करना है, रुकना नहीं है। मैं यहाँ पर इतना मतलब कैमरा इसलिए ऑन किया कि मैं ऐसे कलर कर रहा था ऊपर चढ़ के, और ये देखो मुझे क्या दिखा भाई, ट्रेन भी आनी अभी आनी थी यार, ये देखो भाई बहुत ब्लर दिख रहा है, बट हमारा कैट देखो एकदम निवांत कर रहा है, देख रहा है यही पर क्या। सो अभी यहाँ पर ट्रेन देख सकते हैं बहुत ही पास से जा रही है, उसे छोड़ दो। और ये देख सकते हैं यहाँ पर और डिब्बा भी देखे बहुत नीचे तक खाली हो चुका है। लेट्स बैक टू वर्क। A few moments later. Guys, आज भी एकदम ब्यूटीफुल सा सनसेट और यहाँ पर मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है फटाफट। और मुझे पता है मेरा थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है, बट आप काम पे ध्यान दो। तो यहाँ पर हम आते हैं, सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पूरी जो लैडर है एकदम चकाचक मैंने कलर कर दी है। ओ भाई ट्रेन भी अभी आनी थी, छोड़ दो भाई, सो इग्नोर करो उस साउंड को। तो देख सकते हैं एकदम चकाचक से इसको क्लीन कर दिया, क्लीन नहीं कलर कर दिया है रेडॉक्साइड से, और बहुत ही मस्त लग रहा है। और आई होप इसकी लाइफ इससे बढ़ जाए, और इसके ऊपर अभी ब्लैक कलर भी लगने वाला है, सो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। सो इस ब्लॉग को मैं यही पर एंड करता हूँ विद द एपिक ट्रेन साउंड, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ रहा है, बट ये एक लैडर है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही 4 लैडर को मुझे और कलर करना है, घिस घिस के कलर करना है। सो प्लीज़ इग्नोर दैट साउंड, क्योंकि मैं इसे और एक बार रिकॉर्ड नहीं करना चाहूँगा। नो गॉड प्लीज नो नो नो। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और एक लैडर हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से रेस्टोर कर दिया, इसके ऊपर ब्लैक कलर भी लगने वाला है, और
सो मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में या व्लॉग में। और एक चीज़ है कि अब मेरे एग्ज़ाम से सो मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहूँगा यूट्यूब पे। सीधा मैं 3 फरवरी को वीडियो आने वाली है, सो बीच में एक आधी दूसरी स्ट्रीम वगैरह हो सकती होगी तो ही करूँगा, क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी है। सो मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में या व्लॉग में। डायरेक्ट 3 फरवरी को ही आप ध्यान में रखो। गुड बाय।